पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने 24 घंटों के अंदर चक्रवात के गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास के चलते आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात की वजह से तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। यास तूफान के दौरान 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास तूफान 26 मई की शाम तक उड़ीसा के पारादीप और सागर आइलैंड्स के बीच लैंडफॉल कर सकता है। चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है। उड़ीसा बंगाल के कई इलाकों के प्रभावित होने की संभावना। उड़ीसा के भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर और मयूरभंज इलाके तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में असर देखा जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान 26 मई को बंगाल और उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। तूफान की आहट के बाद राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चक्रवात यास के आने से पहले एनडीआरएफ ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दिरगा इलाके को खाली कराया है। साइक्लोन यास की आहट से पहले ही एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की राहत और बचाव टीम ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया। कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटों पर भी यास तूफान का असर दिखेगा। इस तूफान की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को संथाल इलाके को छोड़कर झारखंड के लगभग 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। तूफान के अलर्ट के बाद रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। मौसम विभाग के तूफानी अलर्ट के बाद भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे ने मैसूरु, हावड़ा, यशवंतपुर, गुवाहाटी, अगरतला, पुरी, एर्नाकुलम और पुणे के बीच चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा की है। तूफान की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को भी सतर्क किया है। चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित होने वाली सभी राज्य हाई अलर्ट पर हैं। समुद्र के तट के पास से लोगों को हटाया गया है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य के लिए भी एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।